हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज और वेरिएबल्स एंड रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। जावा सपोर्ट्स फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेटर दैन। दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर and checks whether the left side operand or variable is greater than the right side operand or variable. If it finds greater, then it returns boolean value true, otherwise returns false. Let us see an example. Int a, assignment operator 5, comma, b assignment operator 2, semicolon। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है a और b, इंटीजर टाइप का। a को वैल्यू दिया है 5 और b को वैल्यू दिया है 2। Now, if a greater than b, तो क्या होगा? Obvious है, 5 greater than 2। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, ये जो स्टेटमेंट है इफ के बॉडी में, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि क्या प्रिंट करेगा? a इज ग्रेटर देन b। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो दूसरा ऑपरेटर है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। This operator is used to compare and checks whether left side operand or variable is greater than or equal to the right side operand. If it finds greater than or equal to, then it returns boolean value true, otherwise returns false. Let us see an example. Int a assignment operator 3, comma, b assignment operator and 2, semicolon। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है a और b, a को वैल्यू दिया है 3 और b को वैल्यू दिया है 2। अब if स्टेटमेंट, if a greater than equal to b, अब यहाँ पर क्या है? a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, तो क्या है? 3 2 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, बट इट इज ग्रेटर नॉट इक्वल, सो इट इज बिकम्स अगेन, इट बिकम्स ट्रू। सो फॉलोइंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b इज एग्जीक्यूटेड। सो द आउटपुट विल बी a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड। Now, third one, less than. This operator is used to compare and checks whether left side operand or variable is less than the right side operand. If it finds a smaller or less, then returns boolean value true, otherwise returns false. Let us see an example. We have taken two variables, a and b, and initialize 1, 2, a and 2 for b। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है a और b, a को वैल्यू दिया है 1 और b को वैल्यू दिया है 2। अब हम if स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं a greater than b, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, a इज लेस देन b। ऑब्वियस है 1 क्या है? 2 से छोटा है, इसलिए क्या
कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? इट इज ट्रू, ये जो है ये क्या हो गया, ट्रू है। ट्रू है तो इफ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर जाएगा, यानी कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट क्या होगा, ए इज लेस देन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू, दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर एंड चेक्स वेदर द लेफ्ट साइड ऑपरेंड और वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू द राइट साइड ऑपरेंड। इफ इट फाइंड्स लेस देन और इक्वल टू, देन इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। हियर ए और बी, हमने दो वेरिएबल लिया है ए और बी, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, दोनों ही के वैल्यू टू हैं। नाउ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू भी टू है, बी का वैल्यू भी टू है, तो ए लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। सो ए इक्वल्स टू बी, सो दिस बिकम्स ट्रू, आफ्टर बिकम्स ट्रू, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड। नेक्स्ट एग्जाम इक्वालिटी, इक्वालिटी, दिस इक्वालिटी ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर चेक्स वेदर लेफ्ट साइड ऑपरेंड और वेरिएबल इज इक्वल टू द राइट साइड ऑपरेंड। इफ इट फाइंड्स बोथ आर इक्वल, दोनों साइड जो वैल्यू है बोथ आर इक्वल, दोनों साइड जो ऑपरेंड है बोथ आर इक्वल, देन इट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। दिस ऑपरेटर मोस्टली यूज्ड इन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। इंट ए और बी, हमने यहाँ पर दो वैल्यू लिया है ए और बी, दोनों को वैल्यू दिया है फाइव। इफ के अंदर ए इक्वल इक्वल्स टू बी, ऑब्वियस है ये कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि ए का भी वैल्यू फाइव है और बी का भी वैल्यू फाइव है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज इक्वल टू बी, दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड आउटपुट विल बी ए इज इक्वल टू बी। नाउ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड ऑपरेंड। इफ इट फाइंड्स दे आर नॉट इक्वल, देन रिटर्न्स बुलियन वैल्यू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। इंट ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए कॉमा बी असाइनमेंट ऑपरेटर फाइव, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है ए और बी, ए को वैल्यू दिया है एट और बी को वैल्यू दिया है फाइव। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, एट फाइव के बराबर नहीं है, एट क्या है फाइव के बराबर नहीं है, सो दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन विल बी एग्जीक्यूटेड, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो आउटपुट विल बी ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। नेक्स्ट अब हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। पब्लिक क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने ए को फाइव वैल्यू दिया है, बी को थ्री दिया है और सी को भी वैल्यू थ्री दिया है। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए इज ग्रेटर देन बी कॉलन डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकॉलन, ठीक है। ये लाइन क्या देगा, फाइव जो है थ्री से बड़ा है, इसका मतलब कि ये प्रिंट करेगा ट्रू। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकॉलन, ये क्या देगा, ये भी आउटपुट देगा ट्रू। नेक्स्ट वन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन बी इज लेस देन
ए. अब यहाँ पर क्या है, बी इज लेस देन ए, दैट मीन्स बी लेस देन ए मीन्स ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है, तो 3 जो है वो लेस है 5 से, इट बिकम्स ट्रू. तो ये क्या देगा, हमको ट्रू देगा आउटपुट. फिर नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, बी लेस देन और इक्वल टू ए. अब बी का वैल्यू क्या है, 3 है, ए का वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये बी का वैल्यू लेस तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या देगा हमें आउटपुट, ट्रू देगा. फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, बी इज इक्वल टू सी, डबल कोट क्लोज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, बी इक्वल इक्वल टू सी, बी का वैल्यू 3 है, सी का भी वैल्यू 3 है, तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न करेगा ट्रू. देन नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी. अब यहाँ पर क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है, ऑब्वियस है 5 नॉट इक्वल टू 3, सो ये रिटर्न करेगा ट्रू. ठीक है, अब व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ट्रू, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इट इज ऑल्सो ट्रू, बी इज लेस देन ए, इट इज ट्रू, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, इट इज ट्रू, बी इज इक्वल टू सी, इट इज ट्रू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट इज ऑल्सो ट्रू. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ई लर्निंग सी एस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और क्लिक द लिंक गिवेन. थैंक यू.